नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फुटाला लेक की बाउंड्री भी टूटी, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया कार्यवाही का आश्वासन, सीमित वैक्सीनेशन का नया फंडा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एक दिन पहले ही फुटारा लेक पर युवक द्वारा पानी में बाइक के साथ छलांग लगाकर आत्महत्या करने पर जहां पुलिस प्रशासन की आंख खुल गई, वहीं पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ की ओर से यहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए कोई पहल नहीं की गई। वर्षों से टूटी पड़ी बाउंड्री वॉल को भी आज तक नहीं बना सके। फुटाला लेक की बाउंड्री तीनों तरफ से जंजर हो चुकी है। तेज बारिश होने पर या पानी का स्तर तालाब में बढ़ने पर यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। युवक ने जिस जगह से बाइक के साथ तालाब में छलांग लगाई, वहां की बाउंड्री वर्षों से टूटी हुई है, जिसे ठीक करने के लिए समय समय पर विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बाद भी लापरवाह अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हादसे के एक दिन बाद भी उस जगह पर बैरिकेड नहीं लगाए गए। विभाग द्वारा जिस फुटाला तालाब को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसी को लॉकडाउन में उपेक्षा की मार झेलनी पड़ रही है। फुटाला तालाब में किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का हाल बेहाल है। खस्ताहाल बाउंड्री का मेंटेनेंस तक नहीं कराया गया है। तालाब में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसकी कभी सफाई तक नहीं की जाती है। तालाब के अंदर भी भारी गंदगी है। लॉकडाउन के समय में फुटाला को संवारने के लिए कोई स्तर पर बेहतर कार्य किया जा सकता था, लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण इसकी स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। दूसरी खबर, मनोज ठोकर मृत्यु प्रकरण में खोपड़े व कुंभारे ने की नौकरी व आर्थिक मदद की मांग। पूर्व नागपुर के पार्डी पुलिस थाना अंतर्गत पार्डी चौक में 7 जुलाई को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने अपंग व दृष्टि बाधित मनोज ठोकर की पिटाई की थी, जिससे उसकी मृत्यु होने का आरोप लग गया है। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े और विकास कुंभारे ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिस कर्मी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। साथ ही ठोकर परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और उनकी पत्नी को पुलिस विभाग में नौकरी देने की मांग भी की। खोपड़े ने बताया कि सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल मामले की सारी जानकारी मंगवा कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। खोपड़े ने कहा कि ठोकर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पालन पोषण व शिक्षा आदि के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ ही आर्थिक मदद की बेहद जरूरत है। इससे पहले भी इस तरह के मामले में विकास में पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी दी जा चुकी है। सीएम ने शीघ्र ही उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तीसरी खबर, वैक्सीनेशन अभियान में अब बुधवार को सीमित स्तर पर वैक्सीनेशन होने का नया फंडा महानगर पालिका की ओर से उजागर किया गया है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए महानगर पालिका की ओर से अनलॉक में दी गई राहत तो कम कर दी, किंतु कोरोना की त्रासदी के लिए कारगर समझी जाने वाली वैक्सीनेशन लोगों को उपलब्ध हो, इसे लेकर किसी तरह के ठोस उपाय नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंबे समय से लड़खड़ाते चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में अब बुधवार को सीमित स्तर पर वैक्सीनेशन होने का नया फंडा महानगर पालिका के ओर से उजागर किया गया है। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने कहा कि सरकार से महानगर पालिका को सीमित मात्रा में कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे महानगर पालिका के सभी केंद्रों पर 18 से अधिक के बाद से सभी आयु वर्ग को समित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होंगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।